दोस्तों वैसे तो आप कंप्यूटर उसके पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानते ही होंगे। जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदते भी होंगे तो उसमें देखते हैं कि उसमें रैम कौन सी है, कितनी जीबी की है, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, कौन सी जनरेशन का लगा है और उसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है। लेकिन इसके बावजूद कंप्यूटर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं, उसका नाम होता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का मदरबोर्ड एक ऐसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर का बेस होता है। इसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर के अंदर जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर के डिवाइसेज वो इसी के साथ अटैच होते, चाहे वो पेरिफेरल डिवाइसेस हो, चाहे कंप्यूटर का प्रोसेसर हो, रैम हो, हार्ड डिस्क हो, जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के होते हैं वो इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आज मैं कंप्यूटर के इस इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि मदरबोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि मदरबोर्ड क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और इसमें जितने भी कार्ड, स्लॉट, सॉकेट, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि ये पुराने टाइम से लेके आज तक इसमें कौन कौन सी चेंजिंग हुई है और पुराने टाइम से लेके आज तक इसमें जो भी जनरेशन आई है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों कंप्यूटर का मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे कार्ड, बहुत सारे स्लॉट, बहुत सारे सॉकेट दे रखे हैं। इसको होम ऑफ सीपीयू भी कहा जाता है, क्योंकि मदरबोर्ड में सीपीयू को अटैच किया जाता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है छोटा सा वो भी इसी में अटैच होता है, और साथ में जिसके रैम, जितने भी इनपुट डिवाइसेज होते हैं वो भी इसके बैक पैनल पे कनेक्टेड होते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं वो भी इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इसको डिटेल से जानने के लिए चलते हैं मदरबोर्ड के ऊपर और जानते हैं कि इसमें क्या क्या डिवाइसेज लगे होते हैं। दोस्तों ये है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर के जितने भी बैक साइड पे पोर्ट होते हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिए रखे होते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में जान लेते हैं, बैक साइड पोर्ट के बारे में बाद में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होती है हमारी सीपीयू सॉकेट, जिसके ऊपर कंप्यूटर का मेन ब्रेन, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू, सीपीयू यहाँ पर अटैच होता है, इसको सीपीयू सॉकेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये येलो कलर के आपको दो यहाँ पे स्लॉट दिख रहे हैं, इस स्लॉट का नाम होता है रैम स्लॉट। ये जो रैम स्लॉट है इसके दोनों एंड पे जो है लॉक दे रखे हैं रैम को लॉक करने के लिए, और इसी के साथ यहाँ पे एक आईडी यानी इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉन ये पोर्ट दे रखा है, इसका यूज़ किया जाता है जितने भी आईडी डिवाइसेस होते हैं, जैसे आईडी डीवीडी सीडी और आईडी हार्ड डिस्क, उसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। तो उसी के साथ यहाँ पे ATX पावर कनेक्टर दे रखा है, जितने जो भी हमारी मदरबोर्ड को सप्लाई आती है वो इसी की मदद से जाती है, इसी से ही कंप्यूटर की जो बाकी के पोर्ट है वो बाकी के डिवाइसेस है जो हमारे मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं वो इसी से इसको सप्लाई जाती है। और ये है कंप्यूटर के जो भी आपने देखा होगा दोस्तों, फ्रंट पे कुछ बटन होते हैं जैसे पावर बटन, रिस्टार्ट बटन और कुछ LEDs होती है, हार्ड डिस्क LED, रीड राइट LED, फंक्शन LED। तो ये फ्रंट पैनल के कनेक्टर यहाँ पे दिए रखे होते हैं, इसको फ्रंट पैनल कनेक्टर कहते हैं, जो हमारे फ्रंट पे सिस्टम के फ्रंट पे जो होते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं। ये हमारा साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कनेक्टर, इसका यूज़ किया जाता है जितने भी सीरियल हार्ड डिस्क है, सीरियल DVD CD है, उनको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर चार यहाँ पर ऑरेंज कलर के दे रखे हैं। इसी के साथ ये है हमारे फ्रंट ऑडियो, आपने देखा होगा कंप्यूटर के फ्रंट पे कुछ USB पोर्ट होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जो फ्रंट पे हमारे पैनल पे दिए रखे होते हैं कनेक्टर उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सिस्टम का कूलिंग फ़ैन होता है, या सिस्टम का फ़ैन आपने लगाना हो जो CPU का होता है वो यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारा FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ये 34 पिन का कनेक्टर होता है, इसका यूज़ आजकल तो नहीं होता लेकिन फिर भी यहाँ पे पोर्ट दे रखा है इस मदरबोर्ड पे, लेटेस्ट मदरबोर्ड पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं FDD कनेक्टर यानी कि फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर। यहाँ पे ये जो दो हमारी जो है वाइट कलर की स्लॉट दे रखी है इसको हम कहते हैं PCI स्लॉट। ये PCI स्लॉट का जो काम होता है वो होता है कि जितने भी पेरिफेरल पोर्ट होते हैं पीछे दे रखे हैं, अगर उसमें से कोई ख़राब हो जाता है तो हम यहाँ पे कार्ड एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और जब भी हमें अगर एक्स्ट्रा जैसे मान लीजिए USB और चाहिए, हमें मॉडम चाहिए, उसका कार्ड हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड अगर हमारा ख़राब हो जाता मदरबोर्ड का तो हम यहाँ कार्ड लगा के PCI कार्ड की मदद से हम जो है एक एक्स्ट्रा बैक साइड पे हम कार्ड अवेलेबल कर सकते हैं। तो इसका यही काम होता है, पीछे का कोई भी पोर्ट ख़राब हो गया तो उसका कार्ड आप यहाँ पर लगा के कनेक्ट करके पीछे आप वो पोर्ट देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ये एक ग्राफिक स्लॉट है जिसको हम PCIe स्लॉट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक मिनी PCIe स्लॉट भी दे रखा है। ये जो बड़ी वाली PCIe ग्राफिक कार्ड लगाने का काम में आती है, जितने भी हमारा कंप्यूटर में अगर HD ग्राफिक्स चाहिए, गेमिंग वूमिंग करनी है तो उसके लिए आपको
इस ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा आता है ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हीट सिंक। ये आपका गीगाबाइट पे यहाँ पे भी लगा है, तो ये हीट सिंक होता है। इसका काम होता है हमारी चिप को कूल डाउन करने के लिए, इसकी जो प्रोसेसर है उसको कूल डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो सेंटर में हमारा आप देख रहे हैं, ये इसके नीचे लगी होती है एक चिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चिप है हमारे मदरबोर्ड की, जिसको हम कहते हैं हमारा नॉर्थ ब्रिज, यानी कि ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब। इसका काम होता है प्रोसेसर को कंट्रोल करने का, रैम को कंट्रोल करना और ग्राफिक को कंट्रोल करने का काम होता है, जिसको हम नॉर्थ ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, जो कंप्यूटर के इस मदरबोर्ड के सेंटर में लगा होता है। उसी के साथ जो साइड में लगी होती है, इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चिप है, इसको कहते हैं साउथ ब्रिज, यानी कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब होता है, IOH के नाम से भी जानते हैं, इनपुट आउटपुट हब भी कहते हैं। इसका काम है जो हमारे PCI स्लॉट, जितने भी पेरीफेरल पोर्ट होते हैं, जितने पेरीफेरल सिग्नल होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ये दो मेन चिप है हमारे मदरबोर्ड की, जिसके बिना मदरबोर्ड काम नहीं करता। कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन होते हैं वो इन्हीं की मदद से जो है कंट्रोल किए जाते हैं, डाटा आ रहा है जा रहा है। तो ये दो मदरबोर्ड पे चिप है जो सारा काम संभालती है। और उसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा चिप लगी होती है, जिसको कहते हैं रोम बायोस, जहाँ पे 8 पिन का रोम बायोस लगा था। लेकिन कुछ मदरबोर्ड पे आपको 32 पिन्स का, कुछ में आपको ये 28 पिन का यहाँ पे देखेगा। तो ये लेटेस्ट मदरबोर्ड था, यहाँ पे आपको केवल ड्यूल मदरबोर्ड पे आपको ड्यूल बायोस भी देखने को मिलेगा, 8 8 पिन के दो दिखने को मिलेंगे। उसी के साथ यहाँ पे एक बैटरी है, एक सेल सा लगा हुआ, जिसको हम सीमोस बैटरी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है। तो इसका काम होता है बायोस को बैकअप प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हमारे जितने भी सेटिंग्स है रोम बायोस में, सेटिंग है जो भी हमने करके रखी होती है उसको सेव करके रखे। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए, ये 12 वोल्ट का एक्स्ट्रा जो है कनेक्टर दे रखा रहता है, पावर कनेक्टर, जो हमारी हैवी सप्लाई देता है फ़ैन फून के लिए और बड़ी बड़ी ICs के लिए, पोर्ट के लिए, पेरिफेरल के लिए। और यहाँ पे देखिए एक जम्पर होता है 3 पिन का, तो इसका काम होता है सीमोस की जो भी बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए, अगर कुछ चेंजिंग हो जाता है, कुछ क्लियर करना हो, मदरबोर्ड की बेकार सी सेटिंग हो जाती है, कई बार हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसमें हम यहाँ पे जंपर की मदद से उसको क्लियर कर सकते हैं। यानी कि हम बायोस की जो भी सेटिंग्स होती हैं, हमने कोई डैमेज कर रखी है, तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं सीमोस जंपर की मदद से। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फ्रंट ऑडियो, फ्रंट में कुछ यानी कि म्यूज़िक सुनने के लिए ऑडियो पोर्ट दे रखे, ऑडियो जैक दे रखे, तो उसका कनेक्टर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको हम फ्रंट ऑडियो कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे देखिए CPU का फ़ैन के लिए यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है, जो हमारे प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर जो हमारा फ़ैन लगता है उसकी सप्लाई हम यहाँ से देते हैं, इसको हम CPU कूलिंग फ़ैन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की। दोस्तों बैक पैनल में कुछ इस तरीके से पोर्ट होते हैं, जिसमें से ये जो पर्पल कलर का, इसका काम होता है कीबोर्ड लगाने का, और ये जो ग्रीन है इसका काम होता है हमारा माउस लगाने का, इसको हम पैरेलल सीरियल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये दो पोर्ट है, इसलिए PS2 के नाम से जानते हैं। ये एक LPT पोर्ट है, जिसका काम होता है लाइन प्रिंटेड टर्मिनल पोर्ट है, 25 पिन का। इसमें हम पैरेलल पोर्ट, जो पैरेलल डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा LPT प्रिंटर आता था, वो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा सीरियल पोर्ट जो 9 पिन का है। इसका काम होता है जो सीरियल प्रिंटर आता था पुराने टाइम में, सीरियल माउस आता था और मॉडम आते हैं, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, राउटर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कम्युनिकेशन पोर्ट और सीरियल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये है हमारा प्यारा दुलारा जो है अपना 15 पिन का, 3 लाइनों में अरेंज होता है। ये हमारा वीडियो पोर्ट है, जो हम कॉमनली देखते हैं, अपना मोनिटर लगाने के इसका यूज़ किया जाता है, वर्सेटाइल ग्राफिक अडेप्टर पोर्ट होता है। और ये है हमारा USB पोर्ट, जिसको हम बहुत ही यूज़ करते हैं आजकल के टाइम में, तो ये USB पोर्ट जो 4 पिन का यहाँ पे दे रखा है। और ये हमारा गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है, जिसके ऊपर लैन केबल, इंटरनेट केबल हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और ये ऑडियो जैक है, और तो इसका भी हम माइक के लिए, साउंड के लिए और उसे लगाने का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ पोर्ट हमारे इसके अलावा और भी होते हैं, जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये जो BGA पोर्ट है, और BGA के साथ यहाँ पे USB पोर्ट दे रखे हैं, या और यहाँ पे ये ऑडियो पोर्ट दे रखे हैं। यहाँ पे HD ऑडियो है, तो इसके और भी फंक्शन होते हैं। और इसके साथ ये हमारा PS2 पोर्ट यहाँ पे कॉमन दे रखा है, इसके ऊपर आप कीबोर्ड माउस दोनों एक ही पोर्ट पे लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो काफ़ी जो है कंप्रेस करके एक ही पोर्ट में आपको दोनों फंक्शन दे दिए। ये हमारा 2.0 पोर्ट जो है USB, मतलब पुराने टाइम पे जो चली हुई है, जो आप ऊपर वाले भी देख सकते हैं।
उसके साथ ये है हमारा DVI पोर्ट जिसका हम काम करते हैं हमारा वीडियो के लिए ही, और ये हमारा HD वीडियो के लिए होता है HDMI पोर्ट, और ये रहा हमारा USB टाइप सी पोर्ट जो काफ़ी फास्ट है, और ये हमारा USB 3.0 फास्ट होता है USB 3.0, और ये हमारा USB पोर्ट ही है जो आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख रहे हैं। तो ये है कंप्यूटर का लैन पोर्ट जो होता है हमारा 8 पिन का, इसको गीगाबिट इथरनेट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आज के मदरबोर्ड के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। हम अगली वीडियो में जानेंगे पुराने टाइम के मदरबोर्ड के बारे में, कैसे कैसे इसकी जनरेशन थी उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मदरबोर्ड के बारे में पता चल ही गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।